हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे स्टाइलिश विद नीतू। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल किट। जैसे कि आपको मालूम ही है कि वेडिंग सीजन जो है जोरों पर है, हर किसी के घर में आजकल शादियां तो चल ही रही हैं, और ऐसे टाइम पर आपको सुंदर दिखना है उसके लिए आपको फेशियल करवाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप पार्लर जाते हैं तो वहाँ पे जो फेशियल है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब कोई भी फेशियल जो है ना मिनिमम 250 से तो स्टार्ट होता ही होता है। 250 में सिर्फ आपको एक फेशियल मिलता है, वो भी फ्रूट फेशियल टाइप से जो है वो मिलता है। उसमें भी सिर्फ दो स्टेप होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीन स्टेप हो जाएंगे, उससे ज़्यादा स्टेप तो वहाँ नहीं मिलेंगे। मतलब क्लिंजिंग किया और कोई क्रीम लगाया और उसके बाद फेस पैक लगा दिया, दैट्स इट। तो मतलब 250 आप खर्च करेंगे ना तो आपको सिर्फ इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, नॉट सारी, बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज जो मैं आपके साथ फेशियल किट जो है वो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ इसकी, नेचर्स एसेंस की फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट की, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसकी जो है और भी बहुत सारी फेशियल किट हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नेचर्स एसेंस की वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट, नेचर्स एसेंस की ग्लोइंग गोल्ड फेशियल किट, एंड नेक्स्ट जो है ये वाली है नेचर्स एसेंस की जेंटल फ्रूट फेशियल किट, एंड वन मोर इसकी है नेचर्स एसेंस की ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट। इसकी ये 5 फेशियल किट हैं, जो भी आपकी स्किन को सूट करे वो आप यूज़ कर सकते हैं। से पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 260 रुपीज़। मतलब 260 रुपीज़ में आपको ये 1 पैक पड़ेगा। चाहे आप कोई भी किट लो, चाहे आप इसकी वाइटनिंग पर्ल ले लीजिए, चाहे आप इसकी फ्लॉलेस पपाया ले लीजिए, चाहे आप इसकी ये वाली जो है जेंटल फ्रूट फेशियल किट ले लीजिए, सबका जो प्राइस है वो सेम है 260 रुपीज़। और अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग इसकी सेल लाइफ की बात करूं तो ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी 921 की है, और एक्सपायरी जो है वो है 824 की। मतलब अप्रॉक्सीमेट 3 ईयर्स जो है इसकी सेल लाइफ है। आप इस एक पैकेट से कम 3 टाइम फेशियल कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसका जो MRP है वो 260 रुपीज़ है, तो उस हिसाब से आपको पर फेशियल 80 रुपीज़ जो है वो पड़ जाएगा। तो अभी जो है वो मैं ट्राई करके दिखाऊंगी आपको ये वाली फेशियल किट। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो पैकेजिंग है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। पैकेजिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसमें जो है आपको मिलेंगे 4 ट्यूब्स, देख सकते हैं इसमें आपको मिलेंगे 4 ट्यूब, प्लस ये वाला जो ट्यूब है ये फ्री है इस समय, डिटेन थेरेपी वाइप ऑफ मास्क, जो आपको फ्री मिलता है। ये वाला जो है ये आपको फ्री मिलता है, और ये हर फेशियल किट में जो है ये फ्री है। और इसमें जो है 4 स्टेप हैं, और हर पैक में जो है बहुत ही इजी तरीके से ऐसे लिखा हुआ है 1 2 करके जो है वो लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल ही आपको कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पे जो है यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो भी यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको जो है इसमें जो D10 मास्क दिया है वो लगाना है, उसके बाद आपको जो है यूज़ करना है ग्लोइंग गोल्ड क्लिंजिंग स्क्रब, उसके बाद आपको मसाज क्रीम यूज़ करनी है, उसके बाद आपको जेल यूज़ करना है, और सबसे आखिरी में जो है आपको यूज़ करना है ग्लोइंग गोल्ड पैक। तो बहुत ही इजी तरीके से जो है इसमें मेंशन है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी फेशियल किट यूज़ करें उसको सेम तरीके से यूज़ करना है, 4 स्टेप हैं, आप इसे ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसका जो D10 मास्क है केवल आप सिर्फ इसको यूज करेंगे तो भी आपके फेस पे जो है बहुत ज्यादा ग्लो आएगा, और अगर आपने पूरा फेशियल किट ही यूज कर लिया तब तो माशाल्लाह आप तो पूरी पार्टी की जान बन जाएंगे। तो अब मैं इसे बताती हूँ यूज करके कि एग्जैक्टली आपको इसको किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरी स्किन को, एंड अभी जो है मेरी स्किन पे जो भी ग्लो है नहीं है वो देख सकते हैं। फेशियल करने के बाद कैसा इफेक्ट रहता है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। मैंने पहन लिया है अपना बैंड ताकि मेरे जो बाल हैं वो आकर
आगे आकर मुझे परेशान ना करें। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यूज करूंगी डी 10 थेरेपी वाइप ऑफ मास्क। ये किसी भी तरीके की अगर आपके फेस में टैनिंग हो गई है तो उसको रिमूव करता है और आपको प्रिपेयर करता है फेशियल के लिए, जिससे आपको फेशियल के और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। माय गॉड, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। लव इट, लिटरली लव इट, बहुत अच्छी है। मैंने इसे लगा लिया है और अब मैं इसे लगाऊंगी 50 मिनट्स तक के लिए। बड़े रूखे हो रहे थे तो मैंने लिप बाम लगा लिया। एंड आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा मास्क है वो जो है पूरा सूख गया है। नॉर्मली जो मास्क होता है उसमें कहते हैं कि आप बात नहीं कर सकते, बट ये कुछ ऐसा खींचा खींचा सा महसूस नहीं हो रहा है। और ये वाइप ऑफ मास्क है तो इसे आपको इस तरीके से वाइप कर लेना है। मैंने मास्क यूज़ किया है और उससे जो है मेरे फेस पर कितना ज़्यादा जो है वो ग्लो आ गया है। तो अगर सिर्फ आप मास्क लगाकर आप किसी पार्टी में चले जाएं तब भी जो है आपके फेस में बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी स्क्रब का, जो इस फेशियल का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर मैं इसको क्लीन करूंगी एक वेट हैंकी से। अब जो है वो मैं सेकंड स्टेप जो है वो यूज करने वाली हूँ और ये है मसाज क्रीम, ग्लोइंग स्किन मसाज क्रीम। सारे इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर बैक में लिखे हुए हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई दिक्कत होगी आपको। इस मसाज क्रीम को जो है हमें कम से कम 15 मिनट्स तक अपने फेस पर जो है अच्छे से मसाज करनी है। ये काफी अच्छी बात है कि इसका जो टेक्सचर है वो काफी थिक है। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ मेरा थर्ड स्टेप और ये जेल है। इसको 2 मिनट तक जो है आपको अपने फेस पर मसाज करनी है अप स्ट्रोक में ऊपर की तरफ। इसको लगाने के बाद ना बहुत ज्यादा ठंडा सा महसूस हो रहा है, मतलब जो है ना कह सकते हैं रिफ्रेशिंग सा जो है वो महसूस हो रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा जेल है वो पूरा मेरी स्किन ने ऑब्जर्व कर लिया है। अभी जो मैंने पैक लगाया है मैं उसे वॉश नहीं करूँगी, उसके ऊपर ही जो है मैं ये वाला जो है पैक फेस पैक जो है वो लगाऊंगी। ये है पॉलिशिंग ग्लोइंग गोल्ड पैक, तो अब मैं इसे यूज़ करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब कैसा था और जब मैंने फेशियल कर लिया है उसके बाद कितना ज़्यादा अंतर आ गया है, वो भी केवल एक बार फेशियल करने पर। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा, ये हर वेबसाइट में इजीली अवेलेबल है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन सी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।